किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको तरककड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। तरककड़ी जो है ये हमारे सलाद के रूप में बहुत अच्छी प्रयोग होती है। लोग इसका रायता भी बहुत अच्छा खाते हैं, कहीं कहीं इसकी सब्जी भी खाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से सलाद के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें जो है प्रोटीन, लोहा और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा सलाद है। इसकी जो इसके खेती के लिए जो जलवायु है वो ये थोड़ी नम से लेकर थोड़ी ठंडे से लेकर गर्म तक जो है कुल मिला के इसके लिए लंबे गर्म दिन चाहिए, ठंडी रात चाहिए। तो ये आपने देखा होगा फरवरी से इसकी बिजाई लोग शुरू कर देते हैं, तो गर्म मौसम की फसल है। तो इसके लिए जो 28 से लेकर 24 डिग्री का तापमान जो है वो पर्याप्त रहता है। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो इसके लिए अच्छी जल निकास वाली बलवी दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म की मात्रा पर्याप्त हो वो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये ध्यान रखें कि बहुत अधिक खारी मिट्टी में इसे ना उगाएं, तो इसलिए इसकी जो पीएच मान है मिट्टी की वो 5 से लेकर 6.8 तक बहुत अच्छी रहती है। तो नदियों के मुहाने पर जो है इसकी काफ़ी खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पीएच मान ज़्यादा नहीं होता और मिट्टी में मुलायम होती है, तो फसल इसकी बहुत अच्छी होती है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं तो दो किस्म इसकी बहुत प्रचलित हैं। पहली है लखनऊ अरली, ये गगती वैरायटी है। इसके फल लंबे हरे और काफ़ी पतले होते हैं और नियमित रोपाई करने पर इसकी जो है ये फल जो है काफ़ी संख्या में लगते हैं। इसकी उपज जो है वो 30-40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है हरे फलों की। दूसरी है कर्नाल सलक्षण, ये भी बहुत अधिक संख्या में इसकी बेले फल देती हैं। फल लंबे होते हैं, हल्के हरे रंग के, पतले और कुरकुरे गुदेदार जो है वह सुगंधित होते हैं, बड़े प्यार से इसे लोग खाते हैं और इसकी उपज भी 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। जहाँ तक इसकी खेती तैयारी की बात है तो इसकी ये देख लें पहले कि अगर नमी पर्याप्त खेत में है तब तो पलेवा जरूरत नहीं, वरना पलेवा करने के बाद इसमें 8 टन गोबर की खाद आप मिट्टी में सिर मिला दें और 2-3 जुताई और पाटा लगा कर जो खेत को तैयार